माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। यदि आपके जीवन में आप बहुत दुखी है, चिंता में है, समस्या में है, बीमार है, निराश हताश अवस्था में है, आज के इस क्लास को अवश्य आप सुनना। अनेकों योजनाएं आप बनाए हैं लेकिन उसका रिजल्ट निराशा। जीवन में कई चीजें नहीं हो रहा है, कई लोग इसलिए प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा, कई लोग बाइबल पढ़ना या चर्च जाना छोड़ दिया होगा, क्योंकि हमने जो आग्रह की आशा किया वो नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ईश्वर ने सारे दरवाजा हमारे सामने बंद कर कर रखा है। हो सकता है विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बच्चे नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, या वैवाहिक जीवन में कष्ट पीड़ाएं हैं, तकलीफें हैं। भाई उत्तर बाइबल में इसका सबका उत्तर है। अनेकों लोग इस प्रकार निराश हताश होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है, कोई नशे में पड़ रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है। इनके पीछे का कारण है निराशा। जो आग्रह कर रहा है वो नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ हो रहा है, सोच रहा है सारे दरवाजा हमारे सामने बंद है। लेकिन आज दरवाजा खोलने वाला उस प्रभु के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, नया ऊर्जा लेंगे, आपके उस निराशे से, आपके उस दुख की अवस्था से जो दरवाजा आपको बंद दिख रहा है, आज हम लोग उसको खोलने का प्रयत्न करेंगे। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4, वहां पर वाक्य 16 से अगर हम पढ़ेंगे, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16 और वर्स, वहां पर लिखा है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत नहीं हारते। उनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार किया, प्रभु का सेवा कर रहा है, प्रभु का कार्य कर रहा है, कहां कहां उसको निराशा का अवस्था आया, लोगों से उनको दुख कष्ट उत्तर में मिला, ऐसे बातों का वर्णन किया सबसे पहले। इसके बाद कहते हैं हम हिम्मत नहीं हारते, चाहे कुछ भी जीवन में हो जाए। क्या कारण है? हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता है। बाहरी रूप में देखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्षीण होते जा रहे, कमजोर होते जा, बूढ़ा होते जा रहा है। लेकिन संत पौलुस कहते हैं इस दुख में, इस अपमान में, इस निंदा में, इस चिंता में, यदि आप उस चिंता को, उस कार्य को प्रभु को अर्पित करते हुए वो प्रभु के नाम पर उसको सहन करने का निर्णय करेंगे, आपके अंदर एक शक्ति और बलवान होकर के जाएगा, दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार अंदर होते जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है, हमेशा के लिए एक अपार महिमा आपके जीवन में मिलने के लिए। ये जो
थोड़ा बहुत दुख कष्ट जरूरी पड़ता है। इसलिए हमारी आंखें इन दृश्य वस्तुओं पर नहीं, हमें नौकरी में नहीं मिला, हमारे पास पैसा नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, हम लोग उसी को देख करके ईश्वर का प्रेम को नापता है। संत पौलुस कहते हैं हम इन दृश्य इन वस्तुओं पर नहीं, बल्कि हमारी आंखें अभी कहां पर होगा, हम अदृश्य चीजों पर हमारी आंखें टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालीन है, अंधे की चीजें आनंद काल तक बनी रहती है। भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है, सालों से प्रार्थना कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन नहीं, कष्ट ही कष्ट है, निराश मत हो। संत पौलुस सबसे पहले अपने पीड़ाएं, दुख, कष्ट, अपमान सब कुछ का वर्णन करने के बाद यही बोल करके देता है, ये चीजें हमें हताश निराश नहीं कर सकता, बल्कि इन चीजों के द्वारा हमारे अंदर एक नया ऊर्जा, नई शक्ति, एक नए विश्वास जाग करके आता है। हम इन चीजों पर नहीं, जो दृश्य है उस पर नहीं, जो अदृश्य चीज जो प्रभु के द्वारा मिलता है उस पर हमारी आंखें हैं। संत पौलुस एफेसियों को, फिलिपियों को सब लिखते हुए बार बार वो जो दौड़ के विषय में क्रिस्त को लक्ष्य रख करके, स्वर्ग राज्य को लक्ष्य रख करके हमें दौड़ना है। उस दौड़ने में कई बार हो सकता है हम गिर जाएगा, टक्कर मारेगा, दर्द लगेगा, थकावट होगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना, हम उस लक्ष्य को, उस पकड़ को वहां आंखें दृढ़ गाढ़ करके हमें दौड़ने की जरूरत है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 बार बार हम प्रार्थना करते हैं, यीशु है मेरा सच्चा गडरिया, अनेकों गीत है इस स्तोत्र के ऊपर। उसके वाक्य 4 में यही लिखा है, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मेरे जीवन में इस यात्रा में अंधेरी घाटी आएगा, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। क्या कारण है? क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ कर मुझे चलाने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है। ये बार बार बोलना है, बार बार ये विश्वास को प्रकट करना है। यदि आपके जीवन में हिम्मत, शक्ति आना है, नया ऊर्जा आना है, ये स्तोत्र 23:4 के जैसे हमें बोलना है, चाहे अंधेरी घाटी होकर क्यों ना जाना पड़े, मैं नहीं डरूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा हाथ पकड़ कर चलाने वाला मुझे मेरे साथ है, मुझे उसके ढंडे पर, लाठी पर मुझे भरोसा है। हमारी भरोसा प्रभु पर जताना है, मेरे प्रभु के ज्ञान के बगैर, अज्ञानता के बगैर, अनुमति के बगैर मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है, इस प्रकार हमें बोलना, स्वीकार करने की जरूरत है। स्तोत्र ग्रंथ 23:4 पूरा अध्याय हमें इस प्रकार का ऊर्जा, शक्ति प्रदान करता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 23 को जीवन में कई बार बोलना सीखिए, कई बार स्तोत्र ग्रंथ 23 साम 23 को बोले, वो आपको एक नई ऊर्जा देगा। नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 31 में, जो कोई इस प्रकार प्रभु में आश्रित रहता है उनमें एक नया ऊर्जा आता है, वो जैसे गरुड़ की तरह भोर से उड़ करके चलते रहेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा। यदि प्रभु में हम आश्रित रहेगा, हमें ऊर्जा, हमें शक्ति मिलेगा। प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 5 और 6 में, हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति में आश्रित नहीं रहना, उसमें आपको पराजय होगा। अरे मैं इतना शक्तिशाली, बुद्धिशाली, मेरे पास ऐसा डिग्री है, ये है, वो है, ये सब बोल करके अपने पर देखना नहीं, हमारी नजर प्रभु पर, जो हमें इसके लिए पढ़ने के लिए सहायता देता है, हमें जीने के लिए कृपा देता है, उस प्रभु पर हमारी नजरें गढ़ कर रखना है।
हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय एक वाक्य आठ के अंदर हबक्कूक नबी ये घोषणा करता है, ईश्वर हबक्कूक नदी से कहते हैं, जो अपने बल पर अपने शक्ति पर निर्भर रहता है वो पाप करता है। मैं मेरे बल पर, मेरे पैसे के कारण मैं मेहनत कर रहा हूं, इस पैसा के कारण यह सब हुआ, ये बोल करके घमंड करने वाले, अपने शक्ति अपने धन पर भरोसा करने वाले, अपने बुद्धि पर भरोसा करने वाले, उनके जीवन में इस प्रकार का अनेकों निराशा आएगा। हमें अपने बुद्धि पर नहीं, अपने शक्ति पर नहीं, अपने पैसे पर नहीं, अपने अच्छाई पर नहीं, प्रभु पर भरोसा जताते रहना है। जीवन में दुख कष्ट आएगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, इस संसार में रहते वक्त तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ता है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, क्योंकि मैं इस संसार पर विजय प्राप्त किया। संसार पर विजय प्राप्त करने वाला प्रभु मेरे साथ है तो मैं क्यों निराश होना। इसलिए बोला तुम्हारे जीवन में भी निराशा का अवस्था आएगा, पराजय होगा, बीमारियां होगा, जो आप चाह रहा है उसका विपरीत हो रहा होगा, लेकिन आपको बार बार बोलना है, मैं उस प्रभु का हाथ पकड़ा हूं जो मुझे कभी निराश होने नहीं देगा। प्रभु इस संसार पर, इस रोग पर, इस प्रकार के अवस्था पर हमें विजय दिया है, ये हमें स्वीकार करने की जरूरत है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में और 13 में बार बार प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वहां पर वाक्य 2-3 के अंदर में हम लोग यही पढ़ते हैं, यदि तुम समुद्र पार करेगा वो जलधाराएं तुम्हें भाग करके नहीं लेकर के जाएगा, यदि तुम आग पार करोगे वो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए डरो मत, डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। तो समुद्र को, इसराइली लोग समुद्र को, लाल सागर को विभाजित किया, वो पार किया, क्योंकि प्रभु उनके साथ होने के कारण वो लाल सागर को पार किया। लेकिन वहां के राजा, उनके सेना उस समुद्र में डूब गया, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ नहीं था। शद्रक मेशक अबदनगो दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर 3 युवकों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, राजा नबुकदनेस्सर हाथ पैर बांध करके उन्हें आग के भट्टी में डाल दिया, जो उन्हें आग के भट्टी में डालने के लिए जो आग के पास गया वो भस्म हो गया, बाइबल में लिखा है। लेकिन इस शद्रक मेशक और अबदनगो 3 लोगों को आग के भट्टी में डाला, हम लोग देखते हैं तीनों वहां प्रभु का स्तुतिगान करता हुआ। शद्रक मेशक अबदनगो केवल 3 नहीं था, राजा नबुकदनेस्सर बोलते हम तो 3 लोगों को डाला था, अभी आग के अंदर ये चौथा कौन है। जी हां, जब हम आग की अवस्था में पड़ा रहेगा, प्रभु चौथा हमारे साथ रहेगा, यह विश्वास करना है। यदि प्रभु मेरे साथ है कौन मेरे विरुद्ध हो सकता। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 31, प्रभु हमारे साथ होना जरूरी है, कोई भी चीज हमारे विरुद्ध नहीं, ये भरोसा बार बार हमें स्वीकार करने की जरूरत है। पेत्रुस अपने पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, इसलिए आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे जरूरत क्या आपको सता रहा है, वो प्रभु को अर्पित करते जाओ। प्रभु ये मुसीबत है, प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये मैं आपको समर्पित करता हूं। और विश्वास कीजिए, प्रभु को आपने समर्पित किया, वो कष्ट पीड़ा, वो पराजय, वो जो कमियां आपको सताएंगे नहीं, आपने प्रभु को दे दिया है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1-3 में प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 1-3 में लिखा हुआ है, हमारा विजय, हमारा सफलता सब कुछ यदि प्रभु के हाथ में है तो हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता यदि प्रभु के हाथ में है तो क्या करना है, अपनी योजना
प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु मैं ये चाहता हूं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे जीवन साथी में, मेरे माता पिता में ये जरूरत है, प्रभु को दे दो। जब हम भरोसा करेंगे प्रभु को, सब कुछ देंगे, प्रभु उसमें सफलता देगा, वो जो मनोरथ पूर्ण करेगा। इसलिए ईसा मसीह ने सिखाया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। जब दुनियाई चीजें, जो दिखने वाली चीजें तुम्हें यूं ही मिलने वाला है, हमें केवल जो ना दिखने वाला वो स्वर्ग राज्य और ईश्वर का वो राज्य और धार्मिकता का खोज करना है। एक अच्छा धार्मिक जीवन, विश्वास की जीवन जीना, प्रभु बाकी सब देगा। नबी यर्मिया के द्वारा भी प्रभु ने कहा, यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11-14 तक वचन बहुत ही शक्तिशाली अच्छे वचन। तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना मैं जानता हूं, तुम्हारी हित की योजना नहीं, तुम्हारा अहित की योजना नहीं, हित की योजना है, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना। अर्थात मेरे लिए हित का क्या योजना है, मेरे लिए एक अच्छा भविष्य के लिए क्या योजना है, वो प्रभु के हाथ में है, मेरी इच्छा नहीं। इसलिए ईसा मसीह ने प्रार्थना किया, वही प्रार्थना मैं भी सिखाया, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे। ईश्वर का राज्य हमारे अंदर आना चाहिए, ईश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। यही तो यर्मिया के द्वारा प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना में जानता हूं। अर्थात हम सबों के लिए ईश्वर की कुछ योजना है, वो योजना हमारी हित की योजना है, हमारे लिए एक आशा में भविष्य की योजना है। प्रभु कह रहा है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे मैं पाऊंगा और तुम्हारे इस भाग्य को मैं पलट दूंगा। आज के स्थिति को प्रभु पलट देगा, हमारे दुख आनंद में बदलेगा, हमारे निराशा आशा में बदलेगा। हमारे जीवन में ये परिवर्तन चाहिए, हमें प्रभु को, उसके धार्मिकता को, सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रभु पर भरोसा करते हुए जीवन जीने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, शिष्य लोग, पत्रुस जेल में बंद था और पौलुस और सीलस जेल में बंद था, हथकड़ियां लगा हुआ है, जंजीरें लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर ने उन जंजीरों को, उन हथकड़ियों को खोलते हैं, जेल के फाटकें खोलते हैं, इस लोहे के फाटक को खोलने वाला प्रभु आपके जीवन में आज जो बंद आपको दिख रहा है उन फाटकों को भी खोलेगा। अभी इस यहां का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 2 के अंदर आयसाया चैप्टर 45 वर्स 2 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ घाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अरगलाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु हमारे सामने जो बंद दरवाजा, जो लोहे का दरवाजा जो बंद आप दिख रहा है, उसको आज खोलना चाहते हैं। अभी इसहाक का ग्रंथ 45:2 बोल करके प्रभु तूने कहा है, मेरे सामने जो उबड़ खाबड़ है उसको समदल बनाने के लिए, और जो बंद खांसे का द्वार जो कोई खोल नहीं सकता, उसमें लोहे का अर्गलाएं लगा हुआ है, प्रभु ने कहा उसको तोड़ने के विषय में। जिस प्रकार शिष्य लोगों के हाथ पैरों में हथकड़ी बांधा हुआ था, उससे उन्हें मुक्ति मिला। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा है, नशे के कारण आप दुखी हैं, नौकरी नहीं हो रहा है, या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या बीमारी है, क्या है परेशानियां, प्रभु पर भरोसा करो, अपने प्रभु भरोसा प्रभु पर जताओ। प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़ेगा, मुझे कोई शंका नहीं है, कोई विपत्ति का शंका नहीं है। इसे हमें बार बार बोलने की जरूरत है। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा,
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 8 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। देखो, मैं शैतान के उन अनुयायियों को जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु यहूदी नहीं है और झूठ बोलते हैं, वह इसलिए बाध्य करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें। आज जो कुछ आपको परेशान कर रहा है उन चीजें आपके चरणों में आएगा। पैसे की जरूरत है, विवाह, बच्चे, बीमारियों से चंगाई, उन बीमारियां, उन सारे चीजें आपके चरणों में आने के विषय में प्रभु कहते हैं। और वाक्य 8 के अंदर लिखा है, जो द्वार में खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए, आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो द्वार मेरे लिए खोल दीजिए, वो द्वार मेरे लिए खोल दीजिए प्रभु, जिसे कोई और बंद नहीं कर सकता। मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु ही मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगा। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाएगा, शांत जल के पास ले जाकर मुझ में एक नया जीवन, नवजीवन का संचार करेगा। प्रभु अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, इसलिए चाहे अंधेरी घाटी होकर के मुझे जाना पड़े, मुझे किसी भी अनिष्ट की शंका नहीं है। हे प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, प्रभु मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का, तेरे वचन का भरोसा है। प्रभु तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाएगा, जो जो जरूरत मेरे जीवन में है प्रभु, मेरे परिवार में है, वो तू पूरा करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। स्तोत्र 23 को बार बार बोलते हुए प्रभु पर अपना भरोसा जताइए। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 17 में लिखा है, 5 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो जल स्रोत के किनारे लगे हुए वृक्ष की तरह है, 12 महीने फल उत्पन्न करने वाला, हमेशा हरे भरे रहने वाला व्यक्ति बनेगा। लेकिन मनुष्यों पर, अपने पर, अन्य चीजों पर, धन पर, नौकरी पर सब भरोसा करने वाला सूखी मरुभूमि के वृक्ष के समान, कभी जल का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, जल के लिए वो तरसते रहेगा, सूखी हुई पेड़ होगा। निर्णय कीजिए प्रभु पर भरोसा करने का, और हमारी अवस्था है उसके लिए धन्यवाद देने का, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है, आग की भट्टी में नहीं, इस प्रकार का अपमान, निंदा का, दुख का, समस्या का, उस भट्टी में प्रभु में जा मेरा सुधार करता है, मुझे शुद्ध करता है। इसके लिए धन्यवाद दीजिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद दीजिए, दुख के लिए, बीमारी के लिए, अपमान के लिए, कष्ट के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद दीजिए, और प्रभु पर भरोसा जताइए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। आप सबों को जय यीशु।